हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवरथिंकिंग करते हुए वो इंसान नज़र आता है। और ओवरथिंकिंग इसलिए कर रहे हैं गाइस क्योंकि हो सकता है ये कोई ऑफ़र आपको देना चाहते हैं, कमिटमेंट शायद आपको देना चाहते हैं, और कुछ नहीं तो आपसे बात करना चाहते हैं। अगर आपसे बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टेक्ट है, तो आपसे बात करना चाहते हैं, इस वजह से ओवरथिंकिंग वो कर रहे हैं। और देखिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ये भी कोशिश करते हैं कि आपसे मूव ऑन कर लिया जाए, और ऐसा इसलिए कि कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी की वजह से वो आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं, ऐसा भी है। और ख़ुद को इंसान बहुत ज़्यादा बिजी रखता है ताकि उनका ध्यान आपकी तरफ ना जाए। और ये जो आपके पर्सन है गाइस, आपसे फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, इस वजह से भी वो चाहकर भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे, और इस वक्त उनकी एनर्जी यही है। इमोशनली भी वो इंसान आपसे अटैच्ड है, ऐसा नहीं कि इमोशनली अटैच्ड नहीं है, इमोशनली भी वो अटैच्ड हैं, लेकिन फिर भी इस वक्त वो आपको फिज़िकली फैंटेसाइज ज़्यादा कर रहे हैं। और इतना सब कुछ आपके बारे में सोचते हुए भी वो इंसान आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करता है क्योंकि थर्ड पार्टी है, और जो थर्ड पार्टी है वो आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में रखने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अगर आपकी तरफ बढ़ेंगे तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, और उनके साथ भी प्रॉब्लम होगी और आप भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे, तो इस वजह से आपसे मूव ऑन कर लेना ही उन्हें सही लगता है। आपके पर्सन गाइस डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, उन्हें क्या करना है वो समझ नहीं पाते, कोई निर्णय वो ले नहीं पा रहे हैं, थर्ड पार्टी की सुने या आपकी तरफ बढ़ें ये उन्हें समझ नहीं आता। और आपके पर्सन देखिए काफ़ी ज़्यादा प्रे भी करते हैं, एक तरफ तो मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई परेशानी ना हो आपको भी, और दूसरी तरफ वो काफ़ी ज़्यादा प्रे भी करते हैं कि सब कुछ सही हो जाए और आप दोनों फिर से एक हो जाओ। तो ये इंसान असली बात निर्णय ले ही नहीं पा रहा है कि इसे करना क्या है, ये समझ नहीं पाता, ये चाहता है आपकी तरफ बढ़ना लेकिन उस थर्ड पार्टी की वजह से खुद को रोक लेता है। और जहाँ भी अभी आपके पर्सन स्टक हैं गाइस, वहाँ पर वो सबको खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपना बेस्ट देने की वो कोशिश करते हैं, किसी को कोई तकलीफ़ उनसे ना हो, कोई उनकी वजह से हर्ट ना हो, ये बहुत ज़्यादा वो वहाँ पर कोशिश करते हैं। लेकिन देखिए दूसरों को तो वो खुश रख रहे हैं लेकिन खुद खुश नहीं है वो इंसान, जिम्मेदारियाँ हैं उन्हें वो निभा रहे हैं लेकिन अपने आप के लिए वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, खुद को वो खुश नहीं रख पा रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा बर्डन उन्हें महसूस होता है। और उस इंसान को ये भी बात समझ में आती है गाइस कि वो आपके साथ खुश रह सकते हैं, और देखिए आप उनके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ज़्यादा तो उनके बेस्ट फ्रेंड हैं, ये उन्हें लगता है, आपसे वो सारी बातें शेयर कर पाते हैं, आपसे अपने लाइफ में जो भी चल रहा है, जो भी परेशानियां हैं वो आपको बता पाते हैं, और किसी के साथ वो शेयर नहीं कर पाते लेकिन आपके साथ सारी बातें वो शेयर कर पाते हैं। तो इस वजह से वो इंसान चाहता है कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएँ और सब कुछ सही हो जाए, क्योंकि आपके साथ उन्हें खुशियाँ मिलती हैं, प्यार मिलता है, ये बात वो भी इंसान अच्छी तरह से जानता है। और अभी भले ही आपके पर्सन कंफ्यूज हैं और ओवरथिंकिंग भी वो कर रहे हैं, और देखिए वो इंसान का ये हाल है कि वो आपको छोड़ भी नहीं पा रहा और आपकी तरफ वो बढ़ भी नहीं पा रहा है, कोई डिसीजन भी वो नहीं ले पा रहे, लेकिन चाहे अभी जो कुछ भी चल रहा हो, ज़्यादा दिनों तक अगर सुख नहीं रहता ना तो दुख भी ज़्यादा दिनों तक रहने वाला नहीं है। और यहाँ पर ऐसा भी है कि थर्ड पार्टी जाने वाली है, और पिछली कुछ रीडिंग से यही निकल कर आया है कि थर्ड पार्टी अगर आपके रिश्ते में है तो वो जाने वाली है, क्योंकि थर्ड पार्टी को अगर आपके बारे में पता है तो उसे भी ये समझ में आता है कि आपके पर्सन आपको नहीं छोड़ सकते, वो आपको नहीं भूले हैं और ना ही वो आपके बिना रह सकते, ये बात थर्ड पार्टी को भी पता है। और अगर ऐसा नहीं भी है कि थर्ड पार्टी आपको नहीं भी जानती, तो भी थर्ड पार्टी को ये लगता है कि आपके पर्सन बदल चुके हैं, उनकी तरफ उनका ध्यान नहीं है, और देखिए उनके बीच कोई रोमांस भी नहीं है। आपके पर्सन जितना ज़्यादा आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं फिज़िकली, वैसा कुछ वहाँ पर तो है नहीं, आपसे ही वो इमोशनली भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, पर थर्ड पार्टी के साथ जिम्मेदारी है इसलिए वो निभा रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर थर्ड पार्टी को भी ये बात समझ में आती है कि प्यार व्यार कुछ नहीं है, बस रिश्ता बना हुआ है, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने ली है, इस वजह से वो इस रिश्ते को निभा रहे हैं, जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन प्यार व्यार तो दिखाई नहीं देता, कोई रोमांस नहीं है। और अगर आपके बारे में थर्ड पार्टी को पता है तो उसको ये भी समझ में आता है कि आपके पर्सन आपको छोड़ नहीं सकते, वो आपको भूले ही नहीं हैं और आज भी वो आपसे प्यार करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही है कि थर्ड पार्टी जाने वाली है, अभी जो कुछ भी चल रहा है इसकी वजह से परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, सब कुछ सही होने वाला है। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस, और कोई टॉक्सिक एनर्जी है जो आप लोगों की लाइफ से एंड कर रही है, और ये वही है थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी ही है जो जाने वाली है। क्योंकि देखिए थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच सेपरेशन दिखाई देता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन भी वो इंसान फील कर रहा है, बहुत कुछ उन्होंने किया लेकिन बदले में उन्हें कुछ भी नहीं मिला है, ये उन्हें लगता है कि वही किए जा रहे हैं और थर्ड पार्टी की तरफ से उन्हें कुछ भी नहीं मिल पा रहा, ये आपके पर्सन को लगता है। और वहाँ पर आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टक भी महसूस करते हैं। देखिए ऐसा नहीं कोई इंसान वो बहुत ज़्यादा खुश है कि उसके साथ सब कुछ सही चल रहा है, नई परेशानियाँ उनके साथ भी हैं और वो स्टक महसूस कर रहे हैं, लेकिन वही है कि सोसाइटी का, फैमिली का भी वो इंसान काफ़ी ज़्यादा सोचता है, इस वजह से भी वो वहाँ से नहीं निकल पा रहा जबकि वो खुश नहीं है। लेकिन अब ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि वो डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान ज़्यादा दिन तक परेशान नहीं रह सकता, जितना कुछ झेलना था उन्होंने भी झेला है, लेकिन अब उन्हें लगता है कि उन्हें निर्णय ले लेना चाहिए, उनको भी अपनी खुशियों का ध्यान रखना चाहिए। अब आपके पर्सन दो रास्तों में से एक रास्ते को चुनना चाहते हैं, अब वो डिसीजन लेना चाहते हैं, और यहाँ पर तो वही दिखाई देता है गाइस कि थर्ड पार्टी जाने वाली है, क्योंकि थर्ड पार्टी की असलियत भी आपके पर्सन को समझ में आई है कि देखिए प्यार व्यार कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा निकाला जा रहा है, अपनी खुशी के लिए आपके पर्सन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बात भी आपके पर्सन को लगती है। और जो थर्ड पार्टी है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पर्सन कब दुखी हैं कब खुश हैं, वो उन सब से उनको लेना देना नहीं रहता, उनको उनकी खुशियों का ध्यान है, उनकी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। तो ये बात आपके पर्सन को भी अब समझ में आने लगी है, इस वजह से वो अब डिसीजन लेना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि वो भी अपनी लाइफ में खुश रह सकें और जिनके साथ उन्हें खुशी मिलती है उनके साथ वो अपनी लाइफ बिता सकें, ये वो भी अब चाहते हैं। पहले तो ऐसा था कि वो डिसीजन ले नहीं पा रहे थे और उन्हें डर भी लगता था कि थर्ड पार्टी को कैसे छोड़ दें या परिवार क्या कहेगा समाज क्या कहेगा, तो डरते भी थे वो इंसान, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब वो अपनी खुशियों का ध्यान रखना चाहते हैं, अब वो चाहते हैं कि वो खुद भी खुश रहें और जहाँ उन्हें खुशी मिलती है वो भी वहाँ बढ़ें तो ही सही होगा। और आपके पर्सन को ये भी लगता है गाइस कि आपकी लाइफ अच्छी चल रही है, आप उनसे अलग होकर भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, खुश रह पा रहे हैं, लेकिन उनके साथ कुछ भी सही नहीं है, वो आपसे अलग होने के बाद सैड हैं और उन्हें ये लगता है कि इतना कुछ जिनके लिए वो करते रहे वहाँ पर भी उन्हें खुशियाँ नहीं मिल रही, प्यार नहीं मिल पा रहा, तो उन्हें लगता है कि आप अपनी लाइफ में ज़्यादा खुश हैं और आपकी एनर्जी को देखकर ही वो इंसान आपकी तरफ बढ़ना भी चाहता है। और हमने तो पहले ही कहा था गाइस कि आप अगर खुश रहते हैं तो हर कोई आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, हर कोई आपके पीछे भागता है, और जहाँ आप रोते रहते हैं परेशान रहते हैं तो लोग आपसे दूर ही भागते हैं, कोई भी ऐसे इंसान के पास नहीं जाना चाहता जो हर समय दुखी रहता है परेशान रहता है या अपना ही रोना रोता है, ऐसे इंसान को कोई भी पसंद नहीं करता। लेकिन अगर जब आप खुद पर फोकस करते हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, किसी के बारे में सोचते नहीं, किसी की तरफ ध्यान नहीं देते, तो लोग उतना ही आपके पीछे भागते हैं। और ऐसा ही पहले भी आपके साथ था गाइस कि आप परेशान रहते हैं, जितना उस इंसान के पीछे भाग रहे थे वो उतना ही आपसे दूर भाग रहे थे, वो थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। लेकिन अब देखिए जब आपने खुद पर फोकस करना शुरू कर दिया, अपने आप में आप खुश रह रहे हैं, आपको परवाह ही नहीं है उस इंसान की, तो अब उनका ध्यान आपकी तरफ है, अब वो आपकी एनर्जी देख रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो आपको ऐसे ही रहना है, आपको परेशान नहीं रहना, आपको किसी के पीछे भागना नहीं है। तो समझ गए गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यह रीडिंग है आज की, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।